अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 25 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डाउनलोड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एंड यूटोरेंट। आप यूटोरेंट और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड हाउ टू डाउनलोड वीडियो सॉफ्टवेयर मूवीज वगैरह आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूटोरेंट को डाउनलोड करूंगा। यूटोरेंट को डाउनलोड करने के लिए आप यहां पे लिखेंगे कैट, बल्कि यहां पे आपने लिखना है जी फाइल है को और यहां पे आपने सर्च करना है और जो भी चीज आपने डाउनलोड करनी है उसको सर्च करें। बस यूटोरेंट यहां पे पड़ा हुआ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं डाउनलोड करने के लिए मैं यहां से डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करूंगा। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने रजिस्टर आईडीएम कैसे डाउनलोड करना है। आईडीएम वैसे आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, फाइल हैपो से भी आप आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये रजिस्टर नहीं होता, ये 30 डेज का टाइम होता है, 30 डेज के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। जब तक आप नई विंडो इंस्टॉल नहीं करें तब तक फिर दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा, 30 डेज का टाइम होता है इसमें। तो एक रजिस्टर आईडीएम कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अभी, और अपने आईडीएम को रजिस्टर कैसे कर सकते हो। आईडीएम जो होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो होता है, इससे कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो तो एक तो उसकी स्पीड अच्छी होती है, स्पीड सही होती है इस डाउनलोड मैनेजर की, और ये वीडियोज को भी डाउनलोड करता है, आपके फोल्डर्स फाइल्स वगैरह आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज को ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और शोन फोल्डर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर दें यहाँ पे। यस रिवन कर चुका हूँ। यस थोड़ी देर बाद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आगे इसके डायलॉग बॉक्स नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। अब ये डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है कैट के केस, ये कैट किक एस टोरेंट, कैट कैट का मतलब है किक एस टोरेंट। साइट को ओपन करें, यहाँ पर टोरेंट डाउनलोड हो चुका है जी, इंस्टॉल भी हो चुका है। इस साइट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने मूवीज भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आईडीएम भी यहाँ से डाउनलोड करना सीखेंगे और आप मूवीज वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स ट्यूटोरियल हर चीज आप डाउनलोड कर सकते हैं टोरेंट वेबसाइट से। अब यहाँ पे देखें तो ब्राउज में आप जब जाते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट है, टीवी है, गेम है, एप्स है, मूवीज है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, एंटर करूंगा मैं, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। यहाँ पे देखें रजिस्टर्ड लिखा हुआ, रजिस्टर्ड 32 एंड 64 बिट दोनों को रजिस्टर्ड इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है यहाँ पे, जो कि रजिस्टर्ड है। इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से आपने करना है जी डाउनलोड टोरेंट पे क्लिक करें। कि ये डाउनलोड हो चुका है, यहां पे अपने डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है।
अब यहाँ पास देखें ये आ गया और इसको यहाँ से ओपन कर दें। अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जी, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आईडीएम में, सॉरी आपका इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर जो यूटोरेंट में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, तब तक हम देखते हैं कि आप सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप मूवीज में जाएं और यहाँ पे मूवीज पे क्लिक करें तो ये देखिए डिफरेंट मूवीज हैं यहाँ पे। आप ब्राउज के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे, आप इस ब्राउज में देखें मूवीज हैं और मूवीज में आपको देखें बता रहे हैं आपने डब मूवी डाउनलोड करनी है, आपने इंडियन मूवीज डाउनलोड करनी है, बॉलीवुड की मूवीज डाउनलोड करनी है, हॉलीवुड की, तो यहाँ पे देखिए सारी मूवीज आपके पास यहाँ पे आई है। देख सकते हैं और मूवीज की यहाँ पे क्वालिटी भी लिखी होती है, जिसका साइज ज्यादा अच्छा होगा वो इतनी अच्छी मूवी होगी। अब यहाँ पे ये यह है जी मूवी है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब इसमें साइज यहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी साइज भी है और उसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन कौन कौन सी, आप देखें 1080 पिक्सल जो है तो ये अच्छी क्वालिटी की होगी मूवी, ये भी आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब 1080 में आपके पास देखें ब्लू रे और 2.99 GB इसका साइज है, 2.11 है, 3.76 है। आप यहाँ से जो भी इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने डाउनलोड टोरेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ गई है और इसको डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से अपने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें। तो ये देखें ये भी मूवी भी आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट होगी और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर भी डाउनलोड होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड करें, आपको रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप हर चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आईडीएम के थ्रू भी आपने मूवीज वगैरह सॉन्ग वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब आईडीएम मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, बल्कि यहाँ पे हो चुका है, इसको मैं ओपन करूंगा अभी। ओके मेरे पास इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाउनलोड हो चुका है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए मैं इसी के ऊपर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसकी वो डबल क्लिक करें यहाँ पे कंटिन्यू, ये आ गया आईडीएम। अब आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को पहले आप इंस्टॉल करें। यस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जब इंस्टॉल हो जाए इसको क्लोज नहीं करना आपने, इंस्टॉल हो गया फिनिश कर दें और फिर आपने यहाँ पे देखें कि यहाँ से इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 64 बिट, मेरे पास विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और 64 बिट में, बल्कि आप पहले देखें ज़रा आईडीएम को, मैं यहाँ से ओपन करके आपको बताता हूँ कि आईडीएम रजिस्टर है कि नहीं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, देखिए रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ओके इसको रजिस्टर करने के लिए अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 64 बिट क्लिक करें यहाँ पे, यस नेक्स्ट ने इंस्टॉल कर दें इसको बस। इंस्टॉल जब हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एड चीज है, गूगल क्रोम को मैं डिफॉल्ट ब्राउज़र रखता हूँ। ओके आईडीएम मेरा रजिस्टर हो चुका है, अब इसको देखना है कि रजिस्टर है कि नहीं, पहले हमने देखा तो नहीं था हमारे पास, तो देखने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आईडीएम सर्च करें, क्लोज रजिस्ट्रेशन में आप देखें तो आपके पास रजिस्टर हो चुका है, इसकी डायरेक्ट रजिस्ट्री जो है वो फाइल में चली गई है, तो आप आईडीएम भी रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करें, ओपन हो गया और बल्कि इसको यहाँ से क्लोज करें, आईडीएम को यहाँ से ओपन करें। अभी आप सिस्टम को जब रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद इसकी एक्सटेंशन जो आपकी गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी, एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे सेटिंग में आप जाके देखें ज़रा, तो इसकी एक्सटेंशन अभी यहाँ पे इसके साथ ऐड नहीं हुई, देख सकते हैं नहीं हुई। तो एक्सटेंशन को ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है कि आप यहाँ से तो ये हो जाएगा,
कैंसिल कर लें। जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने के बाद आपका सीएमपी ये ऐड हो जाएगा। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, देखिए इसी तरह से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, क्योंकि इस पर मैंने इसको ओपन नहीं किया था। इसके लिए आपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने फिर वापस हो जाएगी। अच्छा, वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए आईडीएम से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो उसका क्या तरीका है आप देखें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेट डॉट पी के, सिस्टम अगर रिस्टार्ट करता हूँ मैं तो मेरी जो वीडियो ये खत्म हो जाएगी यहाँ पर।